हम स्टार्ट करेंगे बुद्धिज्म। बुद्धिज्म की बात करें तो बुद्धिज्म कैसे और क्यों इंडिया में आया? यहाँ पे ऐसा था इंडिया में, जो आपने वेद भी देखे उनमें भी सेक्रीफाइसेस और बलियां वगैरह थी और कास्ट की दिक्कतें चली हुई थी, इसलिए जो था लोगों ने बुद्धिज्म और जैनिज्म को अडॉप्ट करना बेहतर समझा। इसलिए सबसे पहले हम बात करते बुद्धिज्म की। तो बुद्धिज्म जो है थ्री टायर पे डिपेंड करता है, जिसमें बुद्धा इसके फाउंडर थे, धामा इसकी टीचिंग थी, सांगा इसके मॉन्क्स एंड बुद्धिस्ट मॉन्क्स एंड नंस हुआ करते थे। अब इसके जो है थ्री टायर सिस्टम को थ्री बास्केट के नाम से भी जाना जाता था। अब बात करते बुद्धा मीन। बुद्धा मीन एनलाइटिंग समवन इज नोन एज तथागाथा सक्यमुनि। अब जो थे महात्मा बुद्ध जो थे सक्यमुनि क्लेन से बिलोंग करते थे। अब जो महात्मा बुद्ध का जो बचपन का नाम था क्या था? सिद्धार्थ। अब महात्मा बुद्ध का जो जन्म हुआ था कहां पे हुआ था? वैशाख पूर्णिमा में लुम्बिनी कपिलवस्तु नेपाल में हुआ था। और कब हुआ था? 563 BC में। अब इसके बाद बात करें तो जो थे महात्मा बुद्ध जो थे वो बिलोंग करते थे शाक्य मुनि क्लेन से। अब इनके जो फादर थे उनका नाम था सुशोधना शाक्य मुनि, और इनकी जो रियल मदर थी, जब महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था इनकी जन्म के 7 दिन बाद ही इनकी जो माता की क्या हो गई थी, डेथ हो गई थी। जो इनकी वैसे रियल मदर थी उनका नाम जो था महा माया करके था। वो जो इनकी स्टेप मदर थी उनका नाम था प्रजापति गौतमी। और जो इनकी महात्मा बुद्ध की जो वाइफ थी उनका क्या नाम था? यशोधरा। और महात्मा बुद्ध की जब बात करें, ये 16 साल की उम्र में इन्होंने क्या कर ली थी? शादी कर ली थी। जब इन्होंने 16 साल की उम्र में शादी कर ली थी तो इनकी वाइफ किसके साथ हुई? यशोधरा के साथ हुई थी। और इनका एक बेटा भी था जिसका नाम था राहुल। और इन्होंने 19 साल की उम्र में जो थे अपने घर बार छोड़ दिए थे। अब जब महात्मा बुद्ध ने 29 साल की उम्र में घर बार छोड़े तो ये 6 साल के लिए ज्ञान की प्राप्ति के लिए बाहर घूमते रहे। और इनको 6 साल बाद जो थी ज्ञान की प्राप्ति हुई 35 ईयर्स में। और इसके बाद इन्होंने जो थे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी इनको हुई थी 42 डेज जो इन्होंने मेडिटेशन किया था, उसके बाद जो थे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। अब बात करते हैं इन्होंने अपने घर बार क्यों छोड़े थे। जब इनके घर बार की बात की जाए कि इन्होंने घर बार क्यों छोड़े थे, तो इन्होंने डेड बॉडीज को देखा, बीमार लोगों को देखा, और जो बीमारी से जूझ रहे थे, कोई अलग अलग किस्म की जो समस्याएं थी उन सभी को देखा, तो इन्होंने अपने घर बार छोड़ दिए। अब इसके बाद बात करते तो इनका फेवरेट चैरिटी चैरियट था, उसका नाम था चन्ना। जो इनका फेवरेट हॉर्स था उसका नाम था कथाका। और जो महात्मा बुद्ध के गुरु थे उनका नाम था अलोरा कलाम। और इनके जो दूसरे गुरु थे जिनका नाम था उदाका रामपुत्र। और बोला जाता है जब महात्मा बुद्ध ने घर बार छोड़े थे तो उन्होंने एक पाथ ऑफ ट्रुथ को फॉलो किया था। जब पाथ ऑफ ट्रुथ को फॉलो की बात की जाए तो उसका नाम था महाविनिष्कर्मा।
जब महात्मा बुद्ध की बात की जाए तो महात्मा बुद्ध ने जो था कहाँ पे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, बोध गया, और हुई कहाँ पे थी, पीपल के ट्री के नीचे। और वहां पे जो था एक नियर रिवर थी जिसका नाम था निरंजन रिवर। वहां पे जो थी इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और इसके बाद इन्होंने जो अपना फर्स्ट सर्मन दिया था, फर्स्ट सर्मन कहाँ पे दिया था इन्होंने, फर्स्ट सर्मन रिजपालिका, इन्होंने फर्स्ट सर्मन दिया था अपना सारनाथ में, सॉरी इसने फर्स्ट सर्मन जो था इनका सारनाथ में था। अब इसके बाद बात करते कि महात्मा बुद्ध का जो फर्स्ट डिसिपल था उसका क्या नाम था, तो उसका नाम आता है आनंद। इस महात्मा बुद्ध के हिसाब से सोल क्या है, एक मिथ है। मतलब महात्मा बुद्ध सोल को जो थे एक मिथ समझते थे कि एक जो है झूठ है कि आत्मा होती है। अब इसके बाद जब बात करें इनके बारे में तो इनके फर्स्ट सर्मन का मतलब क्या था, जब फर्स्ट सर्मन का मतलब था धर्म चक्र चक्कर परिवर्तन। धर्म चक्कर परिवर्तन क्या था, एक व्हील था, जैसे जैसे व्हील घूमता रहेगा और टाइम भी वैसे वैसे चेंज होता रहेगा। इसके लिए जो ये व्हील कहाँ पे था, ये भी बोध गया में इन्होंने बनवाया हुआ था, धर्म चक्कर परिवर्तन सारनाथ में। अब इसके बाद महात्मा बुद्ध का जो लास्ट डे, जिंदगी का जो लास्ट डे था, उन्हें स्पेंड किया था वैशाली में, और इनकी डेथ जो हुई थी वो हुई थी खुशीनगर में, खुशीनगर। जब बात की जाए इनकी डेथ कब हुई थी, तो इनकी डेथ हुई थी 483 BC में। जब इनकी डेथ की बात की जाए तो 483 BC में हुई थी, और इनकी डेथ जो हुई थी 80 साल की उम्र में हुई थी। अब इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे इसकी टीचिंग।